साल 1973 च जसविंदर सिंह दा जन्म पिता सरदार मोहिंदर सिंह ते माता हरमिंदर कौर दे घर पिंड झुग्गियां जिला फजलका च होया। परिवार जसविंदर नूं प्यार नाल रोकी कह के बुलाउंदा सी। रोकी तो इलावा परिवार च उसका एक छोटा भरा ते भैण भी है। पढ़ाई की गल करिए तां रोकी दा मन पढ़ाई विच शुरू तो ही नहीं सी। अबोहर दे डीएवी स्कूल च पढ़न समय ही रोकी ने पढ़ाई विच ही छड़ दित्ती सी। बचपन तो ही रोकी नूं हर खेड च अपनी जिद पकाउण दी आदत सी, जिस लई उह बच्चियां नूं डरा धमका के अपनी जिद पूरी करदा। शरारती सुभाअ दे रोकी तो स्कूल च भी बच्चे डरदे सी। कहा जांदा है कि किसी दोस्त की भैण नूं कुछ मुंडियां वल्लों छेड़न ते रोकी ने अपने कुछ साथियों नाल मिल के उन्हां ते तलवारां नाल हमला किया। हमला करन मगरों उह फजलका छड़ के कुछ समय लई अंडरग्राउंड हो गया सी। ते इत्थे तो ही शुरुआत हुई जसविंदर सिंह भुल्लर तो गैंगस्टर रोकी फजलका बनन दी। फिर रोकी फजलका की मुलाकात हुई उस समय के वड्डे गैंगस्टर प्रभजिंदर सिंह डिंपी नाल। पढ़ाई छड़ चुके रोकी नूं घर तों खुला खर्च मिलदा, पर परिवार नूं इह नहीं पता सी कि रोकी माड़ी संगत च पै चुका है। जिन्ने पैसे रोकी घरदिआं तों मंगदा करदे बिना पुछे उस नूं दे दिंदे। घरदे कहिंदे ने कि रोकी नूं अलग अलग कपड़े पाउण दा काफ़ी शौक सी। उह हमेशा कपड़े लैण लई चंडीगढ़ या दिल्ली ही जांदा ते परिवार नूं इही लगदा कि उह कपड़िआं लई घर तों पैसे लैंदा है। फिर ये सब दे दौरान रोकी ते डिंपी दे बारे एक खबर दे राही परिवार नूं पता चलदा कि बेंगलोर च दोनों नूं गिरफ्तार किया गया है। मामला सी किडनैपिंग ते फिरौती मंगण दा। इस दौरान परिवार ते भी सीबीआई दी रेड पई। रोकी कई साल बेंगलोर जेल च रहा। सजा भुगतन तो बाद घर मुड़ के आया रोकी गैंगस्टर्स दी दुनिया दा एक वड्डा नाम बन चुका सी। डिंपी दे करके यूपी ते बिहार दे कई वड्डे गैंगस्टर्स दे नाल रोकी दा मेल जोल काफ़ी वध गया, जिन्हां चों एक नाम सी गैंगस्टर्स ते पोलिटिशियन मुख्तार अंसारी। पर फिर 7 जुलाई 2006 च रोकी दे खास दोस्त डिंपी दा चंडीगढ़ लेक क्लब दी पार्किंग च गोलियां मार के कतल कर दिता गया। केस च नाम आया मुख्तार अंसारी ते रोकी दा। डिंपी कतल केस च रोकी नूं 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों रोकी कोलों .45 बोर की US मेड आर्मी पिस्टल बरामद की गई। तो पुलिस वालों दावा किया गया कि रोकी कोलों डिंपी नूं मारन च वरत्या गया हथियार बरामद कर लिया गया, जिस तो बाद रोकी नूं बुड़ैल जेल भेज दिता गया। बुड़ैल जेल च ही रोकी की मुलाकात गैंगस्टर गुरशहीद सिंह यानी कि शेरा खुब्बन ते जयपाल भुल्लर नाल हुई। तीनों खास दोस्त बन गए। डिंपी कतल केस च पूरे सबूत ना मिलन ते कोर्ट ने रोकी नूं बरी कर दिता। बाद च शेरा खुब्बन ते जयपाल भुल्लर भी जमानत ते बाहर आ गए। कहा जाता है कि शेरा खुब्बन की जमानत समय भी रोकी करीब 500 तों 600 गड्डियां लैके हथियारां समेत हजारा ही मुंडे लैके शेरा खुब्बन नूं घर छड्डण आया सी, जिस बारे शेरा खुब्बन के पिता भी एक इंटरव्यू के दौरान दस चुके ने। शेरा खुब्बन की छोटी भैन के विआह ते भी रोकी आया, जिस रोकी अपने नाल गड्डियां दा एक वड्डा काफला ते हथियारां समेत कई मुंडे लैके पहुंचा सी। बुड़ैल जेल तो वापस आने मगरों रोकी समाज सुधार के कम्मां च लग गया। व्याहियां हुईयां कुड़ियां जिन्हां नूं मापियां दे छड़ दिता जांदा उन्हां दे मसले हल करदा, लोकां दे जमीनां दे झगड़े हल करदा ते जिथे भी उसकी लोड़ हुंदी उत्थे लोकां च जाके खड़ जांदा। लोग रोकी नूं MLA बनिया देखना चाहुंदे सी, जिस लई साल 2012 च रोकी फजलका ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर BJP के उम्मीदवार सुरजीत जियाणी के खिलाफ इलैक्शन लड़े। इस इलैक्शन च रोकी नूं करीब 39,000 वोट पाए ते सिर्फ 1600 वोट तो सुरजीत जियाणी तो हारिया। राजनीति च दिलचस्पी रखण वाले रोकी की पंजाब के कई वड्डे लीडर नाल नेड़ता वध गई। पर इन्ने नूं शेरा खुब्बन ने अपने खास दोस्त ते फिरोजपुर च जिम के मालक हैप्पी दिउड़ा नूं गोली मार के मौत दे घाट उतार दिता। हैप्पी दिउड़ा रोकी का भी खास दोस्त सी। शेरा खुब्बन का कहना सी कि इस माड़ी दुनिया च वह हैप्पी दिउड़ा करके फसया है। हैप्पी दिउड़ा के कतल तो बाद शेरा खुब्बन तीन होर कतल केसां च मोस्ट वॉन्टड सी। शेरा खुब्बन बठिंडा की एक कलोनी च अपने कुछ साथियों ते गर्लफ्रेंड नाल लुकया होया सी ते इत्थे ही शेरा खुब्बन की गड्डी का पिछा करते हुए पंजाब पुलिस शेरे की कलोनी तक पहुंची ते उसका एनकाउंटर किया। कहा जाता है कि शेरा खुब्बन का यह एनकाउंटर उसके खास दोस्त रोकी दे वल्लों पुलिस नूं दित्ती सूह ते कीता गया सी, क्योंकि रोकी अपने खास दोस्त हैप्पी दिउड़ा की मौत का बदला शेरा खुब्बन तो लेना चाहता सी, जिस बारे शेरा खुब्बन के पिता भी रोकी ते इल्जाम लाते हैं कि शेरा खुब्बन पुलिस ते रोकी की मिली साजिश के करके मारिया गया। फिर 30 अप्रैल 2016 नूं रोकी अपने कुछ साथियों ते गनमैनस के नाल हिमाचल के सोलन तो वापस चंडीगढ़ आ रहा सी।
पर परवाणू कोल आके हाईवे ते ही रोकी दी फॉर्चूनर कार ते कुछ लोगों वल्लों फायरिंग की गई। रोकी दे भी गोली वजी ते नाल ही रोकी दी गड्डी चला रहे ड्राइवर परमपाल दे भी कंते गोली लगी। परमपाल ने जल्दी तो जल्दी गड्डी भजाई ते सोलन दे ईएसआई होस्पिटल पहुंच गया जिथे डाक्टर ने रोकी नू मृत घोषित करता। रोकी दे शरीर दे नाल ही सिर ते भी गोली वजी सी। रोकी दे कतल कीते जाण ते सारयां दा शक गया गैंगस्टर डीमपी दे पुत वल, पर ए भेद उदो खुल्या जदों शेरा खुब्बन दे खास दोस्त जयपाल भुल्लर ने फेसबुक पोस्ट पाई ते उस च लिखिया, कल डेट 30 अप्रैल 2016 नूं जसविंदर सिंह उर्फ रोकी फजलका दा हिमाचल विच मर्डर हो गया। ओ मर्डर मैं ही कीता है। जो लोकी कहिंदे आ कि डीमपी चंद भान दे मुंडे ने उस दा मर्डर कीता है, उस तों अपने मरे बाप दी गवाही तां दित्ती नहीं गई, ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਭੀ ਤੋਂ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੋਂਡਰ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁੱਬਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਣਾਤਾ MLA। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, SSP ਬਠਿੰਡਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ CIA ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਕੀ ਦਾ ਯਾਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਟਾਇਆ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਲੇਟਣਾ। SSP ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਫਜ਼ਲਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।